अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, पिछली वीडियो के अंदर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। कल रात को मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, तो यार अभी तबीयत थोड़ी सेट है और मैं सुबह सुबह उठ गया था यार काफी देर पहले, तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया। अभी हाँ, लंबी लगाते जाए, कब से आपको बोल रही हूँ चले ना जिमी के रिजल्ट लेने जाने, पहले ही लेट हो रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, मुझे पता है इसका वही रिजल्ट होना है, वैसे लेने जाने की जरूरत तो है नहीं, फेल हुआ है ना 100 में से 10 नंबर। ऐसी कोई बात नहीं है, 100 में से पिछली बार इसके 0 नंबर आए थे, पर इस बार इंशाल्लाह देखना आप 100 में से 100 ही आए होंगे। जी जी, क्या पता 100 में से 1-2 आ जाए। 1-2 ऐसे ही मैंने मुंह तोड़ देना तुम्हारा, 1-2 क्यों आएंगे भाई। हाँ। इतना जो तुम छत पे जा के पढ़ते थे वो क्या था? मामा मैं कह रहा हूँ ना, रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं? ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही शैसे ही नहीं। चलो शाबाश, रिजल्ट लेने जाने। चलो आ जाओ, बल्कि मेरी गाड़ी में तो तू नहीं आएगा ना? पापा इसी में चलता हूँ, ऐसे उधर दूसरे गाड़ी में लोग फिर कहेंगे कौन सी गंदी गाड़ी है। वैसे आपने इसके साथ बहुत ज्यादती की है, जो आपने इसको रेड़ा गाड़ी लेके दी है ना, इतनी प्यारी सबस कलर की गाड़ी है, देखो इसने कलर भी करवाया है ऊपर को, बड़ी प्यारी गाड़ी है जो। जी पापा, जे 14 अगस्त के लिए मैंने कराया था। मैं तो 14 अगस्त के लिए, चल अंदर बैठ। मैं तो कह रही हूँ ना जिमी, अगर पास हो गया ना तो इसको आप मार्क एक्स लेके देना, ठीक है? चलो ठीक है, ले देंगे इंशाल्लाह, सोचेंगे कुछ, ठीक है? सोचेंगे नहीं, लेके देनी है हर सूरत में। चल फिर हमारी गाड़ी में आएगा। जी पापा इसी में चलता हूँ। चल बैठ फिर, मार अंदर बैठ, जल्दी कर। चलो बेटा जिमी बैठ जाओ। जी मामा, दुआ करता करता जा रहा हूँ, पास हो जाऊंगा ना। दुआ करता करता जा रहा हूँ इंशाल्लाह बेटा, लेकिन दुआ के साथ ना मेहनत की भी जरूरत होती है। मेहनत तो तुमने की हुई है, अब तुम दुआ भी करो इंशाल्लाह फर्स्ट आओगे। फर्स्ट मैंने मेहनत कब की थी? तो बेटा जो तुम रोज दूध के गिलास ऊपर ले जाके पड़ा करते थे वो तो मैं बिल्ली को पिलाता था। बिल्ली कौन सी, हमारे घर तो कोई बिल्ली नहीं है, झूठ ना बोलो, खुद पी पी के मोटे होते जा रहे हो, शर्म तो आती नहीं है, बिल्ली पे इल्जाम लगा दिया अब तुमने। सॉरी मामा। इस पर बेटा तुम फर्स्ट ना आए, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने मोहल्ले वाली लड़कियों को आंटियों को इतनी बातें बनाई है, मैंने कहा कि मेरा बेटा इतना लाइक है, ये वो है, इंजीनियर है वो, तो इंजीनियर है, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा बताया उनको भाई तुमने, इंजीनियर्स, क्या बात है। वही होता है ना जो समझदार बंदा होता है उसको इंजीनियर्स बोलते हैं। उसको इंजीनियर बोलते हैं मामा। अच्छा इंजीनियर, हाँ हाँ। जाहिलो उसको जीनियस बोलते हैं, जीनियस। अच्छा आप तो नहीं, आपको बड़ा पता है, 5वीं जमात से तो आप फेल हो गए थे। हाँ तो तुम बड़ा पास हुई थी, याद नहीं है तुम्हें? तो मैं 5वीं से तो पास हुई थी, आगे नहीं जा सकी थी। मामा झूठ ना बोले, 5वीं क्लास में आपने फेल हुई। तुम्हें किसने बताया? मुझे नानो शारा बताती हैं, ठीक है ना? नानो तो बेटा बताती है ना, तो मेरी अम्मी अबू ने तो कुछ नहीं कहा था जब मैं फेल हुई थी। तुम फेल हो जरा फिर देखो मैं किसे टांगे तोड़ती हूँ। बेटा आपके दांत कैसे टूटने हैं ना, ये आप याद कर लो। हाँ। नहीं नहीं पापा मामा प्लीज छोड़ देना, ऐसे ना करो करे ना। ऐसे बेटा करना पड़ता। अच्छा बेटा है, उम्मीद तो अच्छी रखो ना, तुमने इतनी मेहनत की, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। मैं कह रही थी अभी हम वापसी पे ना, बल्कि अभी जाते हुए ना मिठाइयाँ ले लेते हैं 10 किलो, पूरे मोहल्ले में बांटेंगे। ओ ये तो नाके लगे हुए। आपने बोला नहीं, रोड बंद है आगे से, कंस्ट्रक्शन चल रही है। कंस्ट्रक्शन तो आप दूसरे रोड पे ले जाए ना। हाँ तो क्या हो गया, दूसरे रोड पे चले जाते हैं। बस मेरे बच्चे की कामयाबी से ना दुनिया जलती है, देखें रोड ही बंद है, आज मेरे बच्चे की कामयाबी का दिन है और रोड बंद है। बस करो कामयाबी, कब से कामयाबी कामयाबी लगी हुई हो, फेल होगा है मुझे पता है इतना तो। चल बेटा जिमी, अब बढ़ाने डहने छोड़, तेरा स्कूल आने वाला है। पापा अभी भी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, रहने देते हैं है ना मामा? क्यों रहने देते हैं बेटा, किस खुशी में रहने देते हैं, बता दो ना मुझे, क्या बात है, सच बता दो। जलील का बच्चो माइकल, आप अंधों की तरह गाड़ी चलाते, कोई तमीज नहीं है आपको, लोगों की मासूम लोगों की गाड़ियाँ ठोक रहे हैं। बस करो, मासूम लोग, तुम्हें बड़ा पता है ना इनका मासूम लोग हैं और हैं या नहीं है। हाँ आप देखिए जिधर बदमाशी कर रहे होते हैं, बस जिधर देखिए बदमाशी, बीवी बच्चों पे बदमाशी, बाहर वालों पे बदमाशी, बस बदमाशी आती है आपको। बस चुप करके बैठ जाओ, यही आता है मुझे, और कुछ नहीं होता मेरे से, ठीक है ना? और कुछ नहीं होता, किसी दिन कोई डाटा सा बंदा मिला ना आपको, सही आपके दांत तोड़ेगा। कौन मिलेगा डाटा बंदा, कौन है मेरे से डाटा है? कोई भी होगा, कोई दुनिया में होगा तो सही ना। पापा बड़े पावरफुल लोग होते हैं, रोमन रैन होगा कोई। अब बस कर, चुप कर जाओ, रोमन रैन होगा, अंडरटेकर होगा, जो भी होगा मैं देख लूंगा, मैं बहुत होशियार हूँ, आ जाओ तुम। अच्छा शोर ना मचाएं स्कूल में, पढ़े लिखे बंदों की तरह बिहेव करें, ठीक है ना? जी जी आ जाएं। कैमिन 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 कैमिन, सीधा बोलना आता नहीं है, नखरे करते हैं। तुम मुझे बताओ सीधा क्या होता है। आहिस्ता बोले, मैं कह रही हूँ इधर जिमी के स्कूल में तमाशे नहीं लगाएं, ठीक है ना? बताओ मुझे, मैं आपको बताती हूँ सीधा कैसे बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आवाज में बोले, इस तरह लगेगा कि हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है? हाँ बस करो, किसी को समझ ही ना आए, बोलेंगे पढ़े लिखे हैं, बोलेंगे गूंगे हैं, पढ़े लिखे हैं। सदा कॉमेडी ना किया करे, अपनी तरफ से बहुत कॉमेडी कह रहे होते हैं। अपनी तरफ से नहीं, सबकी तरफ से, तुम्हारी तरफ से भी मैं ही करता हूँ, नहीं होती तुमसे कॉमेडी। तो चमाटे मारूंगी आपके मुंह पे, ज्यादा फ्री ना हुआ करे, मुझ पे आप क्यों लाइनें मारते बार बार।
लाइने मारते शक्ल देखी तुमने, लाइने मारूंगा मैं तुम जैसी जाहिल औरत पे। अच्छा चुप करो, अभी रिजल्ट लेने जा रहे हैं यहाँ पे, झगड़ा नहीं करने जा रहे हम। हाँ, वो गार्ड से पूछे, उससे पूछे रिजल्ट किधर मिलेगा। उससे पूछे जी भाई, रिजल्ट कहाँ हो रहा है? रिजल्ट कहाँ हो रहा है मुझे क्या पता, रिजल्ट तो हो गया भाईजान, खत्म हो गया कब से, अभी किधर आ रहे हो आप? चुप कर जाना, रिजल्ट तो हो गया, हम जा रहे हैं। तमीज़ आपको बात करने की। हाँ कहाँ पे वैसे हो, कहाँ रहा है फंक्शन वगैरह? ये इधर ग्राउंड में हो रहा है, पिले। अच्छा, ग्राउंड में हो रहा है, सही। ये आपके बच्चे को पता है ना, ये स्कूल पढ़ता है, इसको पता है, रोज तो इधर बैठ के ये रो रहा होता है, इसको कोई लेने नहीं आता। नहीं नहीं मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता बेटा, जाओ ले जाओ अपने मामा पापा को। जी जी जा रहा हूँ, दवा खा रहे हैं। क्या भाई, फिर हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ सर जी, जाएं जल्दी करें, अभी स्कूल बंद होने वाला है थोड़ी देर में। वैसे भी दरवाजा किधर है बेटा? पापा ये दरवाजा है बाथरूम का। बाथरूम नहीं जाना बेटा, अंदर जाना है। अच्छा, कितना बड़ा स्कूल है जिमी का तो। माशाल्लाह यार बेटा, जिमी काफी जबरदस्त सजाया हुआ है। जी जी आ रहा हूँ पापा। गधा कहाँ चला गया पता नहीं। चलो ये जब तक आता है मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, स्पीच वगैरह सुनता हूँ। I would like to announce that our school has been a very good school and no good school and two good school. वो जिमी आ गया। चलो बेटा अभी लगता है जिमी की स्पीच वगैरह भी लेंगे, फर्स्ट अगर आया ना तो इसकी स्पीच वगैरह होगी। तो यार फर्स्ट आने वाले बच्चों की ना स्पीच। इधर बैठना है हमने। हाँ इधर ही बैठना, बैठ फर्स्ट आने वाले बच्चों के अम्मी अबू इधर बैठते हैं। ओ यार फर्स्ट आने, पता नहीं इसने आना है या नहीं, बैठो खैर तुम तो। सर मैं आ जाऊँ? चुप करके बैठे हैं आप। द लास्ट पोजीशन गोज टू, अब मैं सिर्फ पास होने वाले बच्चों का नाम लेने वाला हूँ, ठीक है? और पास होने वाले जो भी बच्चे हैं वो सारे जाके अपना रिजल्ट कार्ड ऑफिस से ले लें। और बेटा तेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है? और सेवेंथ क्लास में से खाली पास होने वाले बच्चों के नाम ले रहा हूँ। जी खाली पास होने वाले बच्चों में आते हैं अहमद, और दूसरे नंबर पे खाली पास होने वाले बच्चों में नाम है जी जिमी। ओ चले पापा मेरा नाम आया है, मैं जा रहा हूँ। जिमी बेटा लेकिन उन्होंने फर्स्ट पोजीशन के लिए तो नहीं बुलाया तुम्हें? जिसके लिए भी बुलाया बुलाया तो है ना, मैं स्पीच करने जा रहा हूँ। आप जी आप कौन आ रहे हैं, आप इधर स्टेज पे क्यों आ रहे हो बेटा? मैं जिमी हूँ ना, मेरा नाम लिया है। इधर आओ इधर आओ, ओए ओए मेरा नाम, बच्चे छोटे बच्चे, मेरा नाम लिया है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप इधर किधर आई हो बेटा? एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू माय मॉम एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू माय डैड, एंड इन्होंने कोई मेरा देखे मेरे साथ नहीं दिया, और सारी मेहनत मैंने खुद की हो रहा थी। हाँ, शाबाश बेटा वो तो ठीक है, लेकिन ये सारी बकवास तुम स्टेज पे आके क्यों कर रहे हो? और अपनी मेहनत से मैंने पोजीशन लिए हैं। और कौन सी पोजीशन आई है बेटा, ये खाली पास हुए पास वो भी 40% नंबर से। पोजीशन होती है शार, 40% नंबर ले लिया ना, चलो निकलो जाओ ऑफिस से जाके कार्ड लो अपना और जाओ यहाँ से। मगर शर्ट के मेरे भाइयों आप लोग मेरी बात सुनेंगे, नीचे उधर टेबल के ऊपर किधर चढ़े, मेरी बात गार्ड गार्ड इधर आओ, आप लोग मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है ना? के देखें कि पोजीशन होती है और मेहनत सारे बच्चे करते हैं और पोजीशन एक बच्चे को मिलती है, ये कोई इंसाफ नहीं है, सारे बच्चों को पोजीशन मिलनी चाहिए। तुझे डंडा मिलेगा बेटे, मैं प्रिंसिपल को बुलाता हूँ और जितने तुम्हारे नंबर हैं वो भी सारे मैं काटता हूँ, फेल करता हूँ। और आप लोग मेरे साथ ना इंसाफी नहीं करेंगे, ठीक है जी? और मुझे पोजीशन दें। गार्ड को बुलाता हूँ, गार्ड इधर आओ। चलो पापा कैसी स्पीच की है? वह बेटा वह दिल खुश कर दिए, शुक्र है तुम पास हो गए बेटा। हाँ बहुत अच्छा, शुक्र है पास तो हो गया ना तू। चलो वो कार्ड ले लेते हैं अब इसका और चलते हैं फिर घर। हैं हाँ अब कार्ड ले लेते हैं, अब इसको थप्पड़ भी पड़ेंगे जो ऊपर खोतों की तरह चढ़ के स्पीचें दे रहा है, बड़ा जाहिल, किसी ने बोला है नहीं स्पीच देने चला गया। अच्छी बात है ना, इस तरह तो बच्चे में कॉन्फिडेंस है तो स्पीच देने गया ना। क्या मैंने स्पीच दी आप लोगों के हक के लिए भी बोला है, सारे बच्चे मेहनत करते हैं, पोजीशन एक बच्चे को दे रहे हैं, दो बच्चों को दे रहे हैं, तीन बच्चों को दे रहे हैं, सारे जो दूसरे मेहनत कर रहे थे वो लोग पागल हैं, जो मेहनत करते रहे और पोजीशन दे नहीं। मैं जा रहा हूँ यार, अभी प्रिंसिपल मुझे सजा देगा, मुझे पनिशमेंट होगी सारी, 2 हफ्ते के लिए मुझे ना क्लास के बाहर खड़ा करेंगे, तो मैं भाग के जा रहा हूँ जल्दी से, पापा लोग रिजल्ट लेके आ जाएंगे। चलो यार मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता हूँ। यार अमेंडा शुक्र है बेईमान पास तो हुआ। बेईमान तो ना बोले, माशाल्लाह मेरा बच्चा पास हो गया, मैं तो इतनी खुश हूँ, मैं तो कह रही हूँ मिठाइयाँ ले ले बस, रास्ते में हर बंदे को बांटती बांटती जाऊंगी। ओ बस करो सिर्फ पास हुआ है, तुम तो बड़ी पोजीशनों की बात कर रही थी, वो भी हार्डली पास हुआ है। हार्डली फार्डली मुझे नहीं पता, बस पास हो गया ना यही बड़ी बात है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पागल हुए मैं क्या, आप कुछ नजर नहीं आता आपको? नहीं नहीं वो मेरा बेटा पास हुआ है ना इस खुशी में, जरा ये किस औरत के पीछे घूम रहे हैं? मैं वो जा रहा था गाड़ी की तरफ जा रहा था। गाड़ी की तरफ? ये औरत कौन सी गाड़ी बन गई है, गाड़ी की तरफ जा रहे थे आप, उसके पीछे जा रहे हैं? गलत बात नहीं समझा करो यार, गलत बात कौन सी, आप पीछे जा रहे हैं उसके?
छोड़ो यार, कसम से फोन नंबर मांग रहे थे, बताए सच से बता दे मुझे। टक्कर हो गई थी, माफी मांग रहा था। माफी मांगते मांगते घर चले जाए उसकी, माफी मांग रहा था। सही, आप जैसे ठरकी मर्दों के यही कारनामे होते हैं, पहले टक्कर मार देते हैं फिर माफी मांग लेते हैं। अब बस करो ज्यादा, फिर फोन नंबर मांग लेते हैं, फिर रिश्ता मांग लेते हैं। जिम्मी अंदर बैठ, रिश्ता मांग लेते हैं। पता नहीं क्या लगी हुई है तेरी माँ, पागल होगी बस ऐसे ही छोड़ डाल रही है, वो भाग के आ रही है देख। सही पागल है भाई, मेंटल पीस है। चलो चलो अब बैठो दोनों, जल्दी बैठो। क्या कह रहे थे जिम्मी से मेरे बारे में? मैं कह रहा था कि क्या पीस, मतलब क्या पीस, पीस नहीं, मैं वाहियत आदमी आप। मैं कह रहा हूँ पीस बेटा, पीस करके खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, पिज्जा खिलाऊंगा। पिज्जा खिलाने लेके जा रहे हैं, क्या बात है। पहली बार मैं कसम से, आपने कोई अच्छी बात की है जिंदगी में, कोई अच्छा काम किया पहली बार। गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हुई है, पहले इसे धुलवाते हैं फिर खाने चलेंगे, ठीक है? हाँ गाड़ी धुला लें, वैसे भी मैं गंदी गाड़ियों में नहीं बैठती, मुझे आदत शादत नहीं है। और बाहर से गंदी हुई है, अंदर से तो हूर पड़ी है मेरी गाड़ी, ठीक है ना? हाँ अंदर से तो गाड़ी हूर पड़ी है। गाड़ी कौन से हूर पड़ी होती है? पड़ी क्या होता है? तोतली। तोतली किसको बोल रहे? पहले तो आप मुझे ये बताएं ना। पापा देखे मैं पास हुआ हूँ इतनी मेहनत करके, मेरे मामा पापा खुश होंगे और आप लोग जो कर रहे हैं। बस कर दो बेटा, 40% नंबर लेके आ गया। अभी तो बड़ी खुश हो रही थी, अभी झूठ ना बोले। हाँ तो खुश तो हो रही थी, पहली बार अगर किसी औरत का बच्चा पास हो जाए, चाहे वो 40% से हो जाए या 33% से हो जाए, वो तो खुश होगी ना। बस करें ठीक है ना, आयदा के बाद मैं फेल होऊंगा। नहीं नहीं बेटा, इससे जुल्म नहीं करना, ठीक है ना? नहीं तो हड्डियाँ तोड़ दूंगी। आयदा के बाद मैं हर रोज फेल होऊंगा। माइकल सुन रहे हैं, कितनी छूट दी हुई आपने इसको, आपके सामने जबान चला रहे। सही है सही है, अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है बेटा तू, बहुत अच्छा। ठीक है फिर, आपके सर पे चढ़ के नाचेगा मोटा ठोसा, फिर ठीक होगा। जो मर्जी करे भाई, तुम्हारा भी बच्चा है, सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, मैं नहीं संभालता रहूंगा हर टाइम इसको। कैसे नहीं संभालेंगे आप? आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना? और क्या जिम्मेदारी लूं, खिलाता पिलाता हूँ इसको, स्कूल डाला हुआ है, और मैं क्या करूँ इसको बताओ। तभी इससे बात किया करें, पहले तो आप बात करने की तमीज सीखें। मामा को शोरूम तो दिखाएं। बेटा बाद में दिखाएंगे अमेंडा, ये हमारा शोरूम, ये आईडी। बाहर से देख के क्या फायदा, मुझे अंदर तो लीजिए, दिखाएं कैसे काम करते हैं आप, भला अच्छा काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा चलो गाड़ी धुलवा के आते हैं फिर तो मैं दिखाऊंगा। और ये शोरूम के सामने बिल्कुल मस्जिद है, कितनी खूबसूरत सी, देखो। नमाज शमाज पढ़ते हैं फिर आप? जी जी, मैं तो नमाज के लिए जाता हूँ, हर 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा यार ये पंप कहाँ पे था PSO? पापा यहाँ पास, यहाँ से लेना दाएं तरफ मोड़े। हाँ तुम्हें बहुत पता है ना दाएं तरफ मोड़े। हाँ यार सच में तुमने तुक्का लगा दिया है। हाँ ना तुक्के चल जाते हैं कभी कभी। जी पापा इधर हम गाड़ी धुलवाने आते हैं PSO पंप से, पहले पेट्रोल भरवाते हैं। मैंने भी यहाँ से अपनी गाड़ी धुलवाई थी। जे पापा सच याद आया, आपने कहा था मार्क एक्स ले देंगे। बेटा कुछ देखते हैं ना, कोई पुरानी मार्क एक्स देखूंगा फिर ले दूंगा। पुरानी सुनानी नहीं लेके दें। तुम्हें क्या है अमांडा, तुमने मेरे साथ घूमना है मेरी गाड़ी में। देखिए मैं कहती हूँ मेरे बच्चे के पास प्यारी गाड़ी हो, ठीक है, ताकि कल को मैं इसकी शादी करूँ, इसका रिश्ता करूँ। तो भर गया है। अच्छा रिश्ता करूँ तो फिर क्या होगा? तो फिर अच्छी गाड़ी होगी ना, इसके बीवी बच्चे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो ना जी, बच्चे होंगे। गाड़ी होगी तो रिश्ता अच्छा मिलेगा, अच्छा रिश्ता मिलेगा तो फिर शादी होगी, शादी होगी तो बीवी बच्चे होंगे। कहानियां नहीं गढ़ो, गाड़ी धोने दो बंदों को। बंदे धो रहे हैं, कौन सा आप धो रहे हैं? देखो कितनी जबरदस्त सिस्टम, ऐसा कभी तुमने जिंदगी में देखा है? जाहिल औरत, ऐसे सिस्टम से दिल कर आपका मुंह भी धुलवा दूं, वैसे तो आप धोते नहीं है। ओए होए क्या साफ कर दिया यार इन्होंने, लैंड क्रूजर क्या बात है, देखा फिर अमांडा? एक लैंड क्रूजर तो मुझे भी लेके दे रहे हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ले देता हूँ ना, यही सही काम है। एक जिमी को ले दूं, एक तुझे ले दूं। तुझे क्या होता है? एक आपको ले दूं, ऐसे करूं है? तमीज से बात किया करें, बात करने की पहले तमीज सीखें, ठीक है? मेरा तो दोस्त तुम्हारा भाई बैठा है इसलिए ना। मेरा भाई बैठा है, उससे भी तमीज से बात किया करें। सही, उसने कभी बताया नहीं मुझे कि आप इतना बुरा सलूक करते हैं उसके। देखो अमांडा गाड़ी देखो, तुम बाकी बातें छोड़ो, सलूक सलूक छोड़ो, सलूक सलूक छोड़ो। अच्छा तुम्हें यहाँ से खिलाऊं, क्या खिलाऊं बताओ, क्या खाना है? जो कुछ अच्छा बनता हो मिलता हो खिला दें। अच्छा तो बहुत कुछ, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, बस कुछ भी ऐसा खिला दें जो जैसे ऐसे हो कि मुझे लगे मैंने खुद बनाया है, इतना अच्छा हो। फिर पानी पी लो आराम से अमांडा जाके, ठीक है? पानी तो जैसे मैं खुद बनाती हूँ, बहुत ठंडी मार रहे हैं आप आज माइकल। क्या हो गया? ये ठंडी गर्म वाला दौर गया है, ठीक है ना, ये बहुत पुरानी हो गई। अब कौन सा दौर आ गया? चुप करके बैठ जाओ, अभी थप्पड़ मार लूंगा मैं तुम्हें। औकात मेरे अपनी, ठीक है ना, आप जानते नहीं मुझे। नहीं है मामा ने जब मुक्के मारे थे आपके मुंह पे। बेटा ये तुम्हारी माँ का ना यही काम है, बॉक्सर की औलाद का। हाँ बस यही काम है ना मेरा तो। ये देखो गाड़ी लगने लगी थी अभी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से सारे उल्टे काम होते हैं, अब किधर आ गए? शोरूम लेके जा रहा हूँ ना तुम्हें। अच्छा ये शोरूम है आपका? इतना छोटा सा शोरूम है। अंदर जाके देखना ना, तुम्हारी 7 नस्लों ने इतनी बड़ी जगह नहीं देखी होगी। बस कर दे, नस्लों नस्लों पे ना जाया करें, ठीक है ना? नस्ले नस्ले करने लग जाते हैं, कुत्ता नस्ल। बस चुप करके बैठ जाओ, गालियाँ नहीं दो, गालियाँ नहीं बका करो। गाली कहाँ बकी है, आपका नाम बता दी थी। नाम चलो जिमी बेटा, आ जाओ जिमी, ताले लगा के आए गाड़ी के। हाँ बेटा अपने बाप के मुँह पे भी एक ताला मार दो।
हाँ शोरूम की बात कर रही है, देखा नहीं ऐसा जिंदगी में कभी शोरूम। माँ को अंदर लेके आ जा, ठीक है, अम्मी को दिखाओ सारा शोरूम। मैं कौन सी लूली लंगड़ी जो माँ को अंदर लेके आ जा, मैं खुद आ जाऊंगी, समझ आई ना? मामा खुद आ जाएंगी। यार अजीब है भाई, इज्जत दो तो भी नहीं खुश होना, बेइज्जती करो तो भी। सारी गाड़ियां बेच दी, क्या बात है। जमीन और आसमान। ओ फ्रैंकलिन काम छोड़, तेरी बहन आई है, काम शाम छोड़। अभी तो करूंगा, अभी तो काम करने का टाइम आया, अभी तो काम करूंगा, बाजी को बताऊंगा कैसे काम कराते हो बच्चे। यार ये छोड़ फ्रैंकलिन, मैं बोल रहा हूं, लत मारूंगा मैं तुझे, उठ उठ शाबाश। ट्रेवर इसको बोल यार काम नहीं करे। मैं क्या तुम आगे धक्का दे, देखता हूं कैसे। वैसे सारा सारा दिन मैं काम करता हूं, अब मेरी बाजी आई है शोरूम पे तो तुम लोग कह रहे हो कि काम ना कर, काम ना कर। अच्छा जी यार, मैंने तुझे कहा था तू भी कभी झाड़ू दे दिया कर, मेरा भाई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है शोरूम में काम ही ना कर तू। देख यार इतने बड़े बंदे का भाई हो के मैं झाड़ू देता हूं अच्छा लगूंगा? बस ठीक है, अभी वो इसकी बहन आ रही है। याल्ला मेरे भाई को नौकर बना के। नहीं नहीं ये खुद कर रहा है शौक से। इस दिन के लिए मैंने कहा था, इस दिन के लिए मैंने कहा था मेरे भाई को बिजनेस में शामिल करो। यही करते हैं पापा, हम लोगों के साथ यही करते हैं, हम दोनों मैं और मामू सफाई करते हैं, पापा अल्ट्रा और चाचू चाय पीते हैं, रोटियां खाते हैं। हाँ हाँ बाजी हम यही करते हैं, हम सारा वक्त सफाई करते हैं। माइकल तेरे ऊपर तो उल्टी पड़ गई है यार। उल्टी पड़ गई है, बकवास नहीं कर, तुझे मैंने कहा था सफाई किया कर, तू इसको काम पे लगाता है बेचारे को। बाजी सफाई होगी है सारी। साले साहब उठो बस। नहीं नहीं अभी तो मैं बैठा हुआ हूं, अभी नहीं उठूंगा। मैं करूं बहुत मारूंगा बाद में, उठ। क्या मारेगा, अभी बैठा हुआ हूं, अब काम करके आराम से उठूंगा। क्या मारेगा, कह रहे हैं बेटा मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहे, मारेंगे? नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ट्रेवर झाड़ू मार दे यहाँ पर। मारते भी है मेरे भाई को अब? नहीं यार कहाँ मारूंगा, बॉडी बिल्डर आदमी है, नौजवान बंदा है, मैं तो बूढ़ा हूँ। आओ मेंटा चाय शाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आ जाओ। जो आपने मेरे भाई का हाल किया ना मैं बख्शूंगी नहीं आपको। और नहीं नहीं अमेंडा आ जाओ। अमेंडा देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे भाई के साथ मैंने कोई गलत नहीं किया, को खुद काम करने का शौक है। बस ठीक है, अगर मेरा भाई काम करेगा तो फिर मैं भी काम करूंगी। नहीं नहीं देखो ऐसे नहीं करो अमेंडा, तुम काम नहीं कर सकती। मैं भी करूंगी काम, बस हो गए। माइकल बात सुन, भाभी झाड़ू लगा लिया करेंगी, आसान हो जाएगा काम। मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, काउंटर पे बैठा करूंगी, पैसे गिना करूंगी और सारे पैसे शाम के वक्त घर लेके जाया करूंगी। ओ, बस करो अमेंडा, पैसे शैसे नहीं देने हम लोगों ने, बस। किधर हाँ। नहीं देने पैसे, मेरे भाई को नौकर बनाए हुए, सारी तनख्वाह लूंगी मैं उसकी। ओ, तो फिर वो घर क्या लेके जाएगा बेचारा, उसका बच्चा है, उसकी बीवी है। शाबाश फ्रैंकलिन, लात मारूंगा, शाबाश काम कर, शाबाश। वो समझाए अपने टींडे भाई को, गंदा तरका हुआ टींडा, देखे कैसे मेरे भाई पे हुक्म चला रहे। तो मारूंगा आपके भाई को। फ्री नहीं हो ज्यादा, ठीक है ना, बकवास नहीं कर, उसके सामने क्यों भौंक रहा है तू यार। बाजी देख रही है मेरे साथ जुल्म हो रहा है। हाँ देख रही हूँ फ्रैंकलिन भाई, आप टेंशन न ले, मैं हिसाब लूंगी एक एक जुल्म का, आपकी आंख से बहावा एक एक आंसू देखना मैं कैसे उसका बदला लेती हूँ। एक एक आंसू हम कप में भरेंगे, है ना मामा? हाँ बेटा कप में भरेंगे, फिर तुम्हें पिलाएंगे। बात कंजू आत ना करे, चुस्की मुझे भी दे देना। चलो अमेंडा तुम लोग यहाँ पे बैठो, भाई के साथ काम वगैरह देखो, ठीक है? हाँ कोई कस्टमर आया तो पेमेंट खुद रिसीव करना और बाद में मुझे देना, ठीक है? आपको तो बाद में खैर मैं नहीं दूंगी, पर रिसीव कर लूंगी मैं, आप टेंशन ना ले। चलो मैं ऊपर जाके सो रहा हूँ, पंखा चला के जरा एसी वेसी ऑन करके सो जाता हूँ, मैं थक गया हूँ। हाँ लंबी लंबी नींद सोए बेशक, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अभी देखा है पैसे इसके हाथ में दिए ना, खुश हो रही है। चलो यार मैं तो एसी ऑन करके अपने कैबिन के अंदर जल्दी से सो जाता हूँ यार, काफी ज्यादा थक गया था मैं तो, इसीलिए यार आज इसका रिजल्ट देख लिया, शुक्र है यार पास हो गया। आप लोग बताओ अब इसको गाड़ी लेके देनी चाहिए या नहीं, कमेंट में बताना, और कौन सी गाड़ी लेके दूं ये भी बता देना। तो मैं यहाँ पे रेस्ट करता हूँ यार, सोफे के ऊपर आया है, बहुत जबरदस्त ठंडा ठंडा एसी चल रहा है और मैं यहाँ पे रेस्ट करता हूँ थोड़ा। तो बाकी आप लोग बताना मार्क एक्स लेके दूं, कौन सी गाड़ी लेके दूं, और पास हुआ है तो गाड़ी लेके देनी भी चाहिए या नहीं, या फर्स्ट आना चाहिए था, वो सब कुछ आप लोग कमेंट के अंदर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। और बाकी यही कहूंगा, मैं अभी सो रहा हूं, ठीक है? आप लोग भी जरा रेस्ट वगैरह कर लें।